तो दोनों स्थिति में विश्वामित्र जी अब यज्ञ करना नहीं चाहते थे। परमात्मा है लेकिन कहीं भी नजर नहीं आता हम लोगों को, और माया कहीं भी नहीं है लेकिन हमको माया ही माया नजर आती है। ये खेल अविद्या का है। अविद्या ही भगवत दर्शन में अवरोध है। जिसके लिए जन्म जन्मांतर प्रयास करना पड़ता है साधकों के द्वारा, तब भी अविद्या अपना प्रभाव हटाते नहीं है साधक जीवन से। लेकिन आज क्या हुआ, आज एक ही बाण प्राण हरि लेना। अविद्या अनेकों उपाय से नहीं हटती, अविद्या केवल एक उपाय से हटती है, और वो एक उपाय है गुरु निष्ठा परम तपा। केवल गुरु वचन से, सदगुरु के सूत्र बाण से अविद्या हटती है, गुरु निष्ठा से अविद्या हटती है। ताड़का का उद्धार हुआ, विश्वामित्र जी ने प्रत्यक्ष देख लिया कि ये ब्रह्म है। अब उनका कोई इरादा नहीं है यज्ञ करने का। विश्वामित्र जी यज्ञ करना नहीं चाहते, अब परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है तो फिर क्यों प्रभु को छोड़ करके और काम करें। अब तो प्रभु से लगे रहना है बस। लेकिन भगवान ने कहा आप यज्ञ करो, जिस बहाने से आप मुझे लाए हो वो तो करो, भले ही बहाना है लेकिन वो करो। विश्वामित्र जी ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा यज्ञ करूं, चंडी यज्ञ करूं कि रुद्र याग करूं, विष्णु याग करूं, कौन सा यज्ञ करूं आप, क्योंकि सारे विधि विधान तो प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए होता है। अब जब वो ही मिल गए अब क्या मतलब है। मानस में यहां यज्ञ का नया नाम है। भगवान कहते हैं निर्भय यज्ञ करो, तुम जाए निर्भय यज्ञ करो। जब आप निर्भय हो चुके ना तो अब जगत को निर्भय करो, औरों को भय मुक्त करो। जब आपको सब मिल गया, अब कुछ भी पाना शेष नहीं है, तो ऐसे में साधु अपना जीवन पूर्ण रूप से परोपकार में लगा देते हैं। पहले दो बात होती है, साधु साधना भी करता है और परोपकार भी करता है, और दोनों करना चाहिए। लेकिन जब भगवत साक्षात्कार हो गया तो उसके बाद साधना की कोई जरूरत नहीं होती, उसके बाद तो परोपकार ही साधना हो जाती है, फिर केवल परमार्थ। ऐसे में साधु किसी एक मूर्ति की पूजा नहीं करता है, उनके लिए जगत ही मूर्ति है। सामने दुनिया है, वो आकार है, वही तो मूर्ति है, और हमें इसी मूर्ति की सेवा करनी है। अब यज्ञ करो, अब परमार्थ करो, निर्भय यज्ञ करो। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, मारीच सुबाहु उसमें आ गए, और भगवान ने सुबाहु का उद्धार किया। मारीच को
बिना नोक का बाण मार करके 100 योजन दूर कर दिया। 100 योजन है माया का विस्तार, किसी भी जीवात्मा के आसपास में 100 योजन माया होती है और उस माया के चक्र को काटना जरूरी होता है। जब माया का वो चक्र टूटा नहीं है, उस माया के प्रभाव से आप मुक्त नहीं हुए हैं, तो फिर घर छोड़कर जंगल जाओगे ना, तो उसको लेकर जाओगे, क्योंकि वो तो लगा हुआ है आपके आसपास में। जब माया से प्रभावित है वो जंगल में गए, तो फिर जंगल में भी घर बना लेंगे। घर छोड़कर वो जंगल जाएंगे तो जंगल में घर बना लेंगे। जिसका वो चक्र समाप्त हो गया और उसके बाद व्यक्ति किसी घर में जाकर के रहेगा, तो घर को भी तीर्थ बना देगा, घर को भी मंदिर बना देगा। बात स्थान की नहीं है, बात व्यक्ति माया के प्रभाव में कितना है उसकी। यदि आपको माया नाच नचाती है तो आपके लिए ये परहेज बहुत जरूरी है कि ऐसे माहौल में ज्यादा रहो जहां आपके आसपास में वैभव ना हो, विलासिता ना हो, क्योंकि अभी परिपक्वता नहीं बनी है, तो फिर वैभवों में रहने से मन बन जाता है, और जब परिपक्वता बन गई तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जहां रहो। मारीच को बिना नोक का बाण मारकर प्रभु ने 100 योजन दूर कर दिया, यानी माया से परे कर दिया मारीच को। मारीच प्रतीक है रजोगुण का और सुबाहु प्रतीक है तमोगुण का। तमोगुण का नाश करना पड़ता है, जबकि रजोगुण का नाश जरूरी नहीं होता, लेकिन रजोगुण का रूप परिवर्तित करना पड़ता है। रजोगुणी व्यक्ति ये सोचता है मुझे क्या मिला, मुझे यह मिलना चाहिए, यह सुख मेरा होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए, मेरे परिवार के लिए होना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए होना चाहिए, ये रजोगुणी व्यक्ति। लेकिन जब उसके रजोगुण का राउंड काफी बड़ा हो जाएगा तो वो देश को अपना परिवार समझेगा, जगत को अपना परिवार समझेगा, फिर वो ये कहेगा कि मेरे देश को ये लाभ होना चाहिए, इस जगत को ये प्राप्ति होनी चाहिए, इस जगत का फायदा होना चाहिए। फिर वो 5-25 की लाभ की नहीं सोचता, फिर वो हजारों लाखों के लाभ का विचार करने लगता है। तो रजोगुण के रूप का परिवर्तन जरूरी होता है, उसके नाश की जरूरत नहीं होती। जब आपके रजोगुण का राउंड छोटा है तो आप ये सोचोगे मेरी जाति को लाभ होना चाहिए, इससे भी छोटा राउंड है तो आप ये सोचोगे मेरे पुत्रों को, मेरे बच्चों का ही लाभ होना चाहिए, और इससे भी छोटा राउंड है तब तो आप परिवार की परवाह नहीं करोगे, मुझे क्या मिलता है, केवल अपनी सोचोगे। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यास बढ़ेगा तो वसुधैव कुटुंबकम तक पहुंचेगा, जगत मेरा परिवार है। ऐसे में आप केवल अपने संतानों के लिए नहीं सोचेंगे, सबके लिए सोचेंगे, कम से कम अपने घर के लिए आप दूसरों के घर को बर्बाद नहीं कर सकते, अपने लाभ के लिए किसी का नुकसान नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका व्यास बढ़ गया ना, वो बहुत अच्छा है। प्रभु ने यज्ञ रक्षा की। विश्वामित्र जी प्रभु को लेकर जनकपुर जाना चाहते हैं, और जनकपुर के मार्ग पर प्रभु जा रहे थे, साथ में
लक्ष्मण जी हैं, विश्वामित्र जी हैं। जनकपुर के मार्ग पर प्रभु चल रहे थे और मार्ग में राम जी ने एक आश्रम देखा। इस आश्रम की कुछ विशेषताएं हैं और वो ये हैं। आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम एक दीख मगमाई, सग मृग जीव जंतु तहना, सग मृग जीव जंतु तहना, जंतु तहना, मृग जीव जंतु तहना। इस आश्रम की विशेषता है कि खग मृग जीव जंतु कछु ना है। यहाँ पंछी नहीं है, यहाँ पेड़ पौधे नहीं है, कोई जीव नहीं है। कोई जीव नहीं होगा क्या यार? आश्रम में एक शिला पड़ी हुई है, कोई जीव नहीं है। कथा आप जानते हैं, ये आश्रम अहल्या का है। कोई जीव नहीं है यहाँ? हाँ बिल्कुल, कोई जीव नहीं है, क्योंकि अहल्या जी की दृष्टि इतनी दिव्य हो चुकी है कि अहल्या जी को किसी भी आकार में, किसी भी प्राणी में जीव नहीं दिखता। अहल्या जी को तो सभी में राम दिखता है, ब्रह्म दिखता है, जीव नहीं दिखता। जब तक आपको जीव दिखते हैं तब तक राग द्वेष होगा, जब भगवान दिखता है तभी तो अहल्या जैसी स्थिरता आ जाएगी। अहल्या को पत्थर के रूप में न देखो, अहल्या को स्थिरता के रूप में देखो। इतनी एकाग्रता, इतनी स्थिरता, ऐसी तन्मयता जगत में रहकर कैसे आएगी? क्योंकि जगत में तो राग द्वेष की हवा चलती रहती है। समुद्र कहाँ है संसार को? जब कभी आप जाओ समुद्र तट पर जाकर के देखो, कभी द्वारका जाकर के देखो कैसी हवा चलती है। समुद्र तट पर हवा बहुत चलती है, संसार समुद्र है और यहाँ तो हवाएं चलती रहती। कभी कोई आपसे राग द्वेष करते हैं तो कभी आप किसी से राग द्वेष करते हो, हवा तो चलती रहती। किसी ने आपसे राग किया अथवा द्वेष किया तब भी परेशानी, और जब किसी के प्रति आपके मन में राग उठा द्वेष उठा तब भी परेशानी। यहाँ तो हवा चलती रहती और राग द्वेष की हवा के चलते मनुष्य की नौका इतनी स्थिर कैसे हो सकती है? जीवन इतना स्थिर कैसे हो सकता है? विचार इतना स्थिर कैसे हो सकता है? यह वैचारिक स्थिरता की बात है। और अहल्या की वैचारिक स्थिरता देखो, कोई हवा उसको हिला नहीं सकती। कोई लाख राग द्वेष करे अहल्या जी के प्रति, लेकिन अहल्या को राग द्वेष होता ही नहीं। कोई कितनी भी दुश्मनी करे लेकिन अहल्या को तो दुश्मनी होती नहीं है। कोई बुराई करे
अहल्या को सुख दुख होता ही नहीं है, वो बुराई करती नहीं है। अहल्या जी की वैचारिक स्थिरता और वो है संसार समुद्र के बीच में रह करके, इसको पत्थर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मूर्तिमंत निष्ठा इसको कहेंगे, मूर्तिमंत अनन्यता है अहल्या, नाम ही अहल्या है, ये अहल्या है, कोई हिला नहीं सकता है। उनके विचार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अब अहल्या के इस विचार में कोई बदलाव नहीं आ सकता। वैचारिक स्थिरता का प्रतीक है अहल्या, और इस प्रकार की स्थिरता मनुष्य के जीवन में तभी आती है जब उसके ऊपर किसी महापुरुष का अनुग्रह हो। कृपा नहीं, अनुग्रह। कहा अहल्या जी ने, मुनि श्राप जो दिन्हा अति बल किन्हा, परम अनुग्रह में माना। ये परिणाम अनुग्रह का है। जब प्रभु ने पूछा कि ये कौन है, तो विश्वामित्र जी ने एक दोहे में अनेकों परिचय अहल्या के दिए हैं। अपनी ओर से विश्वामित्र जी परिचय देते हैं, गौतम नारी, ये गौतम जी की पत्नी है। श्रापवश स्वयं को यह महिला श्रापित समझती है। उपल देह धरी धीर, दुनिया की दृष्टि में यह स्त्री बिल्कुल जड़ है। लोगों को नहीं पता कि ये कितनी चिन्मयी है। इसकी चैतन्यता का जगत को अनुभव नहीं है, लोग इसको जड़ समझते हैं। उपल देह है, दुनिया की दृष्टि में ये महिला बिल्कुल बिल्कुल जड़वत है। लेकिन प्रभु जब कोई इस महिला को पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताती हैं, चरण कमल रज। ये अहल्या का नामकरण है, ये खुद अहल्या ने रखा है। चरण कमल रज, संतों के चरण की रज, सदगुरु के चरणों की रज, अपने आप को साधु संतों के चरणों की रज समझती है। और रज स्वयं को रज समझ करके बड़ी विनम्रता पूर्वक सभी में अपने इष्ट का दर्शन करती हुई ये जगत की सेवा कर रही है। स्थिर है मतलब ऐसा नहीं कि वो हिलती नहीं अपनी जगह से, सब में वो एक को देख रही है, ये उनकी स्थिरता है। अनेक में एक का दर्शन करें, ये अनन्यता की व्याख्या है मानस में। स्वयं श्री राम ने अनन्यता की व्याख्या मानस में ये की है कि सो अनन्य, किष्किंधा कांड में ये बात है, सो अनन्य जाके असी मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जगत में जितने भी आकार हैं मेरे प्रभु के हैं, अनेक में एक का दर्शन करें, इसको अनन्यता कहते हैं। और ये मूर्तिमंत अनन्यता है।
स्त्री स्वयं को समझती हैं। चरण कमल रज, चरण कमल रज चाहती। भगवान को भी ये नाम बहुत अच्छा लगा तो प्रभु ने पूछा, ये चरण कमल रज नाम की महिला चाहती क्या है? तो विश्वामित्र जी बोले, प्रभु कुछ नहीं, कृपा करो रघुवीर, केवल आपकी कृपा चाहती है, केवल कृपा चाहती है। रामचरितमानस में कृपा का साक्षात स्वरूप है संत दर्शन। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, यानी कि हरि कृपा स्वयं संत के रूप में हमारे जीवन में आती है। ये केवल कृपा चाहती है। और इस प्रसंग में साक्षात हरि कृपा कोई है तो वो विश्वामित्र जी है, परोपकारी संत है। पूरा जीवन अपना यज्ञ कार्य में लगा दिया है। विश्वामित्र जी राम कृपा का साक्षात रूप है। विश्वामित्र जी ने भगवान को कहा, यह केवल कृपा चाहती है और कुछ नहीं। और जब भगवान की ओर से संकेत मिल गया तो ठीक, ये कृपा चाहती है तो अब इन पे कृपा होनी चाहिए। और कृपा होनी चाहिए यह संकेत जब राम जी की ओर से मिल गया, उसी सेकंड विश्वामित्र जी ने सबसे पहले अहल्या जी की ओर दृष्टि की है। और जैसे ही विश्वामित्र जी की दृष्टि अहल्या जी के ऊपर पड़ी, सदगुरु की दृष्टि अहल्या जी के ऊपर पड़ी, तो विश्वामित्र जी की दृष्टि का स्पर्श होते ही अहल्या उसके अंदर एक ऐसा चैतन्य प्रकट हुआ, एक विशेष शक्ति प्रकट हुई कि अहल्या जी खुद उठ करके राम जी के चरणों से लगी है। भगवान ने चरण नहीं लगाया, यहां रज तो ये खुद है। चरण कमल रज, रज तो खुद है। जैसे ही सदगुरु की कृपा दृष्टि पड़ी तो सदगुरु की कृपा की हवा चलने के साथ ही वो रज अहल्या खुद उठ करके, खुद उड़ करके परमात्मा के चरणों से लग गई है। और इसलिए थोड़ा ध्यान से आप मानस को देखो कि भगवान राम ने अहल्या जी को चरण नहीं लगाया, पर सत पद पावन परमात्मा के चरणों का स्पर्श रज ने किया है। शब्द ही स्पष्ट है, पर सत पद पावन शोकन सावन। ये रज उड़ी, रज उड़ करके रज ने स्पर्श किया। पर सत पद पावन स्पर्श किया, पर सत पद पावन स्पर्श किया। किसने किया? रज ने किया। कहां पर किया? प्रभु के चरणों पर। सत पद पावन प्रकट भई तप पूज सगी, पर सत पद पावन शोक न प्रकट रघुनायक जन सुखदाय सन्मुख होई करे जो
किया बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। रज ने स्पर्श किया है और रज है स्वयं अहल्या। उड़ करके पहुंची प्रभु के चरणों तक और ये हवा हवा में उड़ती है, रज हवा में उड़ेगी। विश्वामित्र जी की कृपा गुरु कृपा हवा बनी और जिसमें यह रज उड़ करके उस ऊंचाई पर पहुंची परमात्मा के चरणों तक। और भगवान के चरणों का स्पर्श जिसको होता है वो तो भगवत रूप ही होता है। इसलिए अहल्या जी के लिए अब सारे शब्द ऐसे हैं जो शब्द भगवान के लिए होते हैं, ऐसे ही सारे शब्द हैं। प्रगट भई, जैसे भगवान के लिए भय प्रगट कृपाला और यहाँ प्रगट भई, तो सारे शब्द ऐसे ही है जैसे जो भगवान के लिए होते हैं। ये परिणाम है अनुग्रह का। अनुग्रह कहते जबरदस्ती कल्याण कोई करे इसको अनुग्रह कहते। इसलिए अहल्या जी को ऐसा लगता था कि मैं श्रापित हूं, सदगुरु कभी कभी अपने आश्रित के साथ कुछ व्यवहार ऐसा भी कर लेते हैं कि आश्रित को ऐसा लगे कि मेरा क्या अपराध है, हमारी क्या गलती है, क्यों क्यों औरों को ज्यादा अपनाते हैं और हमको कम अपनाते हैं, ऐसा कई बार लगेगा। लेकिन कभी कभी ये भी जरूरी होता है। जिस साधक को जिस प्रकार से परिपक्व किया जा सकता है वो ही तरीका उसके लिए अपनाना पड़ता है। कोई कोई भूमिका ऐसी होती है कि ज्यादा निकटता में उसकी परिपक्वता नहीं बनती, कुछ अंतर पर उसको कर दिया जाए तो उसकी परिपक्वता बन सकती है, तो फिर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। डॉक्टर किसी को दवाई दे 2 दिन की और किसी को दे 3 महीने की, तो ये उसका कारण है क्योंकि उसका उसकी बीमारी उस प्रकार की है, तो उसको 3 महीने तक दवाई, एक को 2 दिन की दवाई उसमें उसको ठीक कर देते हैं। अब ऐसा तो नहीं कहोगे कि देखो ये डॉक्टर को कितना अच्छा लगता है कि इसको तो 2 दिन में ठीक करे और हमको 3 महीने में ठीक कर दे, ये फर्क भूमिकाओं का है। तो जिस व्यक्ति को जिस साधक को जिस शिष्य को जिस स्थान पर रखने से उसकी परिपक्वता संभव लगती है उसको इस प्रकार से रखा जाता है, भेद नहीं होता ये। लेकिन शिष्य को जिसके अंदर भाव है तो यही समझेगा कि मैं इस अंतर पर रहूं, मुझे यहाँ रखा जाए मुझे वहाँ पाओ, और जब वो नहीं बनता तो लगता है कि हमारा क्या दोष, हमारा क्या अपराध, हमको ये सजा हो रही है। लेकिन जब लाभ होता है तब ये बात समझ में आती है। मुनि श्राप जो दिन है अति बल किन परम अनुग्रह में माना,
समय के बाद ये बात समझ में आती है कि यदि हमको इतना पास में रख लिया होता तो ये लाभ नहीं होता जो आज हुआ। कुछ देर के बाद ये बात आई समझ में कि परम अनुग्रह है, ये अनुग्रह है, बड़ा लाभ हमको देना चाहते थे तो हमको छोटे लाभ से वंचित रखा क्योंकि वो बड़ा लाभ देना चाहते, क्योंकि ये कितना बड़ा लाभ है खुद अहल्या कह रही है। मुनि श्राप जो अति बल के परम अनुग्रह में माना देखई बड़े जोश हरि भव मोचे यही लाभ शंकर आना। इस लाभ की महिमा केवल महादेव समझ सकते हैं, वो लाभ आज मुझे प्राप्त हो रहा है। जिस लाभ को शिव भी लाभ समझते हैं, बड़ा लाभ समझते हैं, वो लाभ मुझे मिला है। ये लाभ दिलाना चाहते थे मुझे, इसलिए हमको छोटे छोटे लाभों से वंचित रखा। प्रभु की स्तुति करके गई पतिलोक आनंद भरी अहल्या जी ने विदा ली। वास्तव में पत्थर में कौन होता है? पत्थर के रूपों में तो भगवान होता है, भक्त थोड़ी होता है। मंदिर में सारी मूर्तियां हैं पत्थरों में, भगवान होते हैं पत्थर में, और भक्त उस भगवान की ऐसी उपासना करता है, इतनी तीव्रता से भक्ति करता है कि भक्ति करते करते भक्त भगवान को उस पत्थर से प्रकट कर लेता है। लेकिन भगवान कब प्रकट होता है कि भक्त तीव्रता से भक्ति करते करते जब भक्त की देह वासना छूट जाती है और जब भक्त जड़वत हो जाता है तब वो चैतन्य प्रकट हो जाता है। और अब हो गया भक्त जड़वत, तो जब भक्त आज जड़वत हुआ, इतनी भक्ति की है अहल्या जी ने कि पत्थर के रूप में जड़ के रूप में भगवान थे वो प्रकट हो गया, और चैतन्य रूप में थी अहल्या वो जड़ हो गई। तो भगवान ने सोचा कि चलो जब मैं जड़वत था तो मेरे भक्त ने मुझे प्रकट कर लिया, और आज मेरा भक्त जड़वत हो गया तो अब बारी हमारी है कि हम उसको प्रकट कर लें। यदि भगवान को पत्थर से प्रकट कर लेता है भक्त तो फिर वो भगवान कैसा कि वो भक्त को प्रकट न करे पत्थर से? दोनों ही पत्थर में होते हैं, भक्त और भगवान दोनों ही पत्थर में होते हैं। भगवान मंदिर के पत्थरों में होते हैं और भक्त शरीर के अंदर होता है, तो ये देह पत्थर ही तो है, जड़वत है, दोनों ही पत्थर में होते हैं। उपासना इसी को कहते हैं कि भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट करने का प्रयास करे और भगवान अपने भक्त को देह वासना से बाहर करने का प्रयास करे, दोनों एक दूसरे को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, यही उपासना है। अहल्या जब सलिया बन जाएगी, हमारी मति जब सलिया बन जाएगी, पत्थर बन जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तो फिर वो ही सलिया एक ना एक दिन कौशल्या भी बनकर भगवान को अपनी गोदी में ले लेगी। अहल्या जी का उद्धार करके प्रभु पहुंचे जनकपुरी।
गंगा स्नान के बाद प्रभु जनकपुरी पहुंची। अंगराई में विश्वामित्र जी के साथ प्रभु रुके थे। विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे थे। प्रभु अंगराई देखने गए। उसी समय जनक जी वहां पहुंचे और विश्वामित्र जी के साथ जनक जी बैठे थे। ऐसे में जब प्रभु आ गए, जनक जी खड़े हो गए। विश्वामित्र जी से पूछने लगे, ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने भी प्रश्न के सामने प्रश्न किया, आपको क्या लगता है? जनक जी को क्या लगता है? जनक जी ने बताया, मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्म जो निगम ने कहे गावा, ब्रह्म जो निगम कहे गावा, बेस करी की सोई आवा, दो रूप में प्रकट हुआ। विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद हुआ। ये तो तत्वज्ञानी हैं, जनक जी वेदांती हैं। ब्रह्म एक ही है और कुछ है ही नहीं। ऐसा कहते 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 महाराज जनक जी की उम्र निकल गई है, लेकिन उस मुकाम पर पहुंच कर कह रहे हैं आज ब्रह्म दो बनकर आया। उभय बेस धरी की सोया, ब्रह्म दो है। ऐसा कोई वेदांती कहेगा ही नहीं कभी। दो ब्रह्म, विश्वामित्र जी ने पूछा, ये ब्रह्म है और दो, दो कैसे? राम लक्ष्मण के रूप में एक दो, ऐसी बात नहीं है। अभी तक हम ये मानकर चलते थे कि ब्रह्म एक ही है, वो हमारी अपनी आत्मा है, बस। जगत मिथ्या है, जगत कुछ है ही नहीं। लेकिन आज जनक जी को ऐसा लगता है कि मेरे भीतर जो पड़ा है तत्व, वो भी ब्रह्म है और जगत के रूप में आंखों के सामने है, वो भी ब्रह्म है। ये विश्व प्रभु का परिवर्तनशील रूप है। जैसे आत्मा का नाश नहीं है, वैसे जगत का भी नाश नहीं है। आत्मा का परिवर्तन नहीं है और जगत का परिवर्तन है, बस इतना ही फर्क है। हम तो ये समझते थे ब्रह्म भीतर ही है और कहीं भी नहीं है, लेकिन आज जनक जी बदले हैं। उभय बेस धरी की सोई आवा, उभय बेस धरी की सोई आवा। हम तो जगत से बचकर रहते थे कि ये दुनिया है ही नहीं, ये तो नाशवान है, इसे दूरी रहो, कहीं फंस जाओगे माया में, कहीं फंस जाएंगे माया में, ये कुछ भी नहीं है। केवल आत्मचिंतन में लगे रहते थे, दुनिया के साथ जुड़ते नहीं थे, समाज के साथ जुड़ते नहीं थे, समाज की सेवा के काम से नहीं लगते थे, क्योंकि ब्रह्म एक है और वो भीतर बाहर तो चित्र है, कुछ है ही नहीं। लेकिन आज जनक जी को
एक नई भूमिका में प्रवेश प्राप्त हुआ है, एक नई स्थिति को प्राप्त किया है जनक जी ने। जहां थे वहां से जनक जी आगे बढ़े हैं, और वो ये है कि भीतर है वो तो है ही ब्रह्म, लेकिन ये जगत के रूप में परिवर्तनशील प्रभु ही है। जब जगत को प्रभु के रूप में आप देख सकते हैं तो माया का नामो निशान नहीं रहता, माया है ही का। माया है ही नहीं सकते। जगत में आपको भगवान का दर्शन, जगत के रूप में भगवान दिखता है तो माया नहीं है, और जगत के रूप में भगवान नहीं दिखता तो फिर बच के रहो, कहीं भी फंस जाओगे। भये बेसे है विश्वामित्र जनक जी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है उबर बेस दरी की सोई आवा। ये ब्रह्म है ऐसा आपको क्यों लगता है? जनक जी ने कहा कि ये मेरी अनुभूति है। आपकी क्या अनुभूति है? तो बताया कि मेरा मन ब्रह्म को छोड़ करके, अपनी आत्मा को छोड़ करके और किसी से प्रभावित कभी नहीं होता था। आज पहली बार इस बालक को देखते हुए मेरा मन जब उससे प्रभावित हो रहा है, उसमें लग रहा है, यानी कि यह ब्रह्म है। जनक जी को अपने मन का पूरा विश्वास है, मेरा मन ब्रह्म के अलावा और कहीं लगेगा ही नहीं कभी, और आज इसमें लग रहा है तो ये ब्रह्म है। मन जिसमें लगे मेरा वो ब्रह्म ही हो सकता है। कितना पढ़ाया मन को, कितना अभ्यास कराया होगा मन को, कितना भरोसा है मेरा मन ब्रह्म को छोड़कर दूसरी गली में जाएगा ही नहीं कभी। और आज इसमें लग रहा है तो ये ब्रह्म ही हो सकता है, नहीं तो मेरा मन उस पे नहीं जाएगा। जिसमें लगे वो ब्रह्म बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा मन जिसमें लगे वो ब्रह्म, अब मन पर तो कोई संदेह ही नहीं है कि भगवान को छोड़कर इधर उधर क्यों जा रहा है। जिसमें जा रहा है वो ब्रह्म ही होगा, इतना मन को अभ्यास कराया है, दूसरी गली में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह ब्रह्म है। सहज विराग रूप मन मोरा, दुनिया की दृष्टि में मैंने वैराग तो धारण नहीं किया, लेकिन मेरा मन वैरागी है, मेरा स्वभाव वैरागी है, मैं स्वभाव वैरागी हूं। विश्वामित्र जी को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप जिसको भगवान कहे उसको कोई भगवान कहे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। जब विश्वामित्र जी ने राम को पहचान लिया है, तबर इसी निजनाथ है जी अच नहीं, विद्या निधि कहो विद्या दि नहीं, उसी ब्रह्म को आज जनक जी भी कहते हैं कि ब्रह्म जो निगम ने थी कही गावा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस वक्त जिसको आप ब्रह्म कह रहे हैं वो अयोध्या में महाराज दशरथ जी के पुत्र के रूप में आया है, ये भी बता दिया, ताकि जब जनक जी को पता चले कि ये राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, तब जनक जी के विश्वास में कमी ना आ जाए। मैं तो इसको ब्रह्म समझता था, ये तो अयोध्या का राजकुमार है।
अयोध्या के राजकुमार हैं। इस परिचय से जनक जी की आस्था कहीं कम ना हो जाए। इसके पहले विश्वामित्र जी ने यह बता दिया कि जिसको आप ब्रह्म कहते हैं यह वही है, लेकिन इस वक्त ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममहित लागे नरेश पठाए, ममहित लागे नरेश पठाए। और मम हित लागे नरेश पठाए, मेरे लाभ के लिए, मेरे हित के लिए, मेरा काम सिद्ध कराने के लिए महाराज दशरथ जी ने इनको भेजा। मम हित लागे, विश्वामित्र का हित क्या है? जिसको न घर है न परिवार है उसका क्या हित, उसका क्या अहित? विश्व का हित ही विश्वामित्र जी का हित है। मेरे हित के लिए आए हैं, यानी विश्व के काम के लिए आए हैं मेरे साथ। अपने स्वार्थ के लिए घर नहीं छोड़ा इसने, विश्व कार्य के लिए घर छोड़ा है। जनक जी को आनंद हुआ और कहा कि आप इन दोनों को लेकर के मेरे भवन पधारी हैं। विश्वामित्र जी प्रभु को लेकर के जनक जी के भवन पहुंचे। शाम को प्रभु नगर दर्शन के लिए भी गए और रात्रि में प्रभु ने विश्वामित्र जी के साथ विश्राम किया। प्रातः काल में सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, राम जी जागे, विश्वामित्र जी जागे और विश्वामित्र जी ने भगवान से कहा कि आप दोनों भाई पुष्प वाटिका में जाकर के पुष्प ले आओ। प्रभु को पुष्प वाटिका में विश्वामित्र जी भेज रहे, फूलों से क्या करना था? पूजा करनी थी। पूजा किसकी करनी थी? भगवान की करनी थी। और भगवान को कहा कि फूल लेकर आओ, मुझे आपकी पूजा करनी। एक बात यह है कि सारे पुष्प परमात्मा के द्वारा बने हैं और भगवान के द्वारा बने सारे के सारे जीवन पुष्पों की सार्थकता इसमें है, ये जीवन पुष्प भगवान के चरणों में लगे, इसी में पुष्प की सार्थकता। जीवन पुष्प है, जीवन ही पुष्प है। भगवान को पुष्प चढ़ाने का हेतु भी यही होता है कि फूल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन हम अपना जीवन पुष्प प्रभु की सेवा में समर्पित करें। जीवन पुष्प चढ़ाना ही पुष्प है। वैसे भी फूल है ना, भगवान को ही चढ़ाना चाहिए। पुष्प ऐसी वस्तु है, प्रकृति के इतने खूबसूरत देन है पुष्प। विविध रंगी पुष्प प्रकृति ने बनाए हैं जगत में और प्रकृति के द्वारा बने पुष्प क्यों बनाया प्रकृति ने? प्रकृति ने फूलों को बनाया है परमात्मा की पूजा के लिए। अगर आप पुष्प ना चढ़ाओ मंदिर में जाकर के, तब भी प्रकृति ने तो परमात्मा के लिए बनाया है, इसकी सारी खुशबू हवामान में ही फैल जाएगी अपने आप। वो तो परमात्मा को ही चढ़ेंगे, आप चढ़ाओ, इससे आपका मन शुद्ध होता है।
फूल लेकर के मंदिर जाओ, भगवान को चढ़ाओ, इससे मन शुद्ध होता है। प्रकृति ने तो इसको तैयार किया, बस चढ़ा दिया, वो तो चढ़ गया है प्रभु को। लेकिन प्रकृति ने पुष्प को तैयार किया है, वो परमात्मा की पूजा के लिए होता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि पुष्प हमेशा प्रभु को चढ़े, देवी देवता को चढ़ाओ, गुरु के चरण में चढ़ाओ। लेकिन पुष्प किसी साधारण मनुष्य को कभी चढ़ाना नहीं चाहिए, पुष्प कभी मनुष्य को नहीं देना चाहिए, प्रकृति बहुत नाराज होगी। आपसे कोई कहे कि ये मिठाई और ये ले जाओ मंदिर में और भगवान को चढ़ा दो, और वो रास्ते में किसी को दे दे वो मिठाई बिना भगवान को चढ़ाए, आपने उसको दिया भगवान को चढ़ाने के लिए, और वो किसी को दे दे, अपने मित्रों को दे दे, तो आपके साथ धोखा हुआ ना। आप नाराज हो जाओगे जब आपको पता चले कि मैंने तो ये फल दिया था कि पंडरीनाथ के चरण में तुम रखना, और इसने तो कभी किसी मित्र को दे दिया कि खाओ मजा करो, तो देने वाला नाराज हो। पुष्प मनुष्य को नहीं चढ़ाया जाता, फूल मनुष्य को नहीं देना चाहिए, फूल हमेशा वो देव के लिए ही बना है, भगवान के लिए ही पुष्प खिला है। और जब आप भगवान तक ना पहुंचाओ तो फिर उसको रहन दो जैसा है वैसा, लेकिन किसी मनुष्य को नहीं चढ़ाना। जब पुष्पों की माला बनाकर मनुष्यों को चढ़ाते हैं, कितने बड़े बड़े हार नेताओं को लोग चढ़ाते हैं, इतना वजन तो उसका भी नहीं होता, इतने बड़े बड़े हार उसको चढ़ाते हैं। ये प्रकृति का अपमान है, ये फूलों का अपमान है। और किसी भी प्रकार से आप स्वागत कर सकते हैं बड़े लोगों का, जरूरी नहीं कि प्रकृति की वो देन जो एक बार खिलता है, एक ही बार बनता है, उसके बाद तो वो मुरझाने के बाद तो गया, उसका खिलना सार्थक कैसे होगा? यदि आप उसको भगवान के चरण तक नहीं ले जाओगे तो कैसे सार्थक होगा? तो फिर रहने दो जैसा है वैसा रहने। विश्वामित्र जी भगवान से कहते हैं, आप दोनों भाई जाओ, पुष्प लेकर के आओ, जगत के सारे पुष्प भगवान के हैं, भगवान के लिए हैं। जनक जी के जीवन बाग में खिला हुआ पुष्प है साक्षात श्री सीता जी, विशुद्ध प्रेम श्री सीता जी है। और जब विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है हमारे हृदय में तो स्वयं प्रभु पुष्प लेने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि विशुद्ध प्रेम की खुशबू भगवान को भी आकर्षित कर सकती है। जब तक आपके भाव में गड़बड़ महसूस होती है तब तक संसार भी आपको जवाब नहीं देता, भगवान कैसे देंगे? क्योंकि भगवान तो जानते हैं विशुद्ध प्रेम का स्वरूप क्या होता है। तो फिर भगवान अपना पुष्प लेने स्वयं पहुंच जाते हैं। प्रभु पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं लक्ष्मण जी सहित। ये वाटिका ऐसी है कि इस वाटिका में बाहर माड़ी भी है, माड़ी यानी संत सदगुरु, क्योंकि जिसके जीवन में कोई माली होगा ना उसी का बाग बाग होगा, नहीं तो बाग कचरा बन जाता है, उसी का जीवन बाग है जो किसी के नियंत्रण में रहेगा। जहां नियंत्रण किसी का नहीं है तो फिर जीवन कचरा हो जाता है। प्रभु पुष्प वाटिका में है और उसी समय
आते ही अवसर सीता तह आए, ही अवसर सीता तह आए। गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी संग सखी सब सुभग सयानी। गावे गीत मनोहर बानी, गावे गीत मनोहर बानी। तेहि अवसर समय सीता जी गए मंदिर में, इसी पुष्प वाटिका में भवानी का मंदिर है, सखियों के साथ गावही गीत मनोहर वाणी। कितना सुंदर तरीका बताया, जब सीता मंदिर जा रही है तो कैसे जा रही है, गावही गीत मनोहर वाणी, गीत गाती हुई, कीर्तन करती हुई, भजन करती हुई, चिंतन करती हुई। जब हम लोग मंदिर जाते हैं, घर से मंदिर तक पहुंचते पहुंचते में हम तो संसार की ही बातें करते हैं, कुछ लोग तो मंदिर में भी संसार की बातें, भगवान से भी संसार मांगते हैं। रास्ते में बात भी संसार की, मंदिर में भी आपस में चर्चा संसार की, और भगवान के सामने हाथ जोड़कर भी संसारी मांगते हैं। गावे गीत इंसान यदि अनावश्यक चर्चा करना बंद करे तो अनगिनत लाभ हो सकते हैं। घर से मंदिर तक भगवत चिंतन, भगवत चर्चा, भगवत स्मरण, यही तो मंदिर जाना होता है। सखियों के साथ मंदिर गई, भवानी का मंदिर पुष्प वाटिका में है, और भवानी का स्वरूप यहां पर नारद जी ने स्थापित किया है। भवानी कौन है, भवानी संगरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी श्रद्धा है, मनुष्य के हृदय में श्रद्धा को स्थापित कर देना सदगुरु का काम है, और फिर उसी श्रद्धा को बनाए रखना ये साधक का अपना कर्तव्य है। वो बनी रहे श्रद्धा, इसके लिए जीवन में कुछ नियम होना चाहिए, संयम होना चाहिए, वो श्रद्धा बनी रहे। इसके लिए सीता जी प्रतिदिन जाती है मंदिर, पूजा करती हैं, और प्रतिदिन पूजा करते करते आज परिणाम यह आया कि आज सीता जब पूजा करती हैं तो करी पूजा अधिक अनुरागा। आज अधिक अनुराग से पूजा हुई, और विशेष अनुराग से पूजा जिस दिन भी हम लोग करते हैं उस दिन हमको देवता विशेष रूप से प्रसन्न नजर आते हैं। आज सीता जी को भी ऐसा लगा कि आज भवानी बड़ी प्रसन्न है। आज भवानी कहती है कि क्या चाहिए, ये समझ लो कि कुछ भी नहीं मांगा,
निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता जी ने यही कहा कि मेरे अनुरूप जो हो आप दे दो।